दोस्तों राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों गोलू की तबीयत खराब है। अभी रात ही है, पूरी रात सोए नहीं है और मेरे को जगाए भी नहीं। अभी तो मैं कृष्णा की वजह से जाग गई हूँ, तब तो मुझे पता चला। बोल रहे हैं अजीब अजीब लग रहा है, मैं देखी तो बुखार भी बहुत तेज है। बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि बहुत उल्टी होगी, पूरे शरीर में दर्द है, अजीब अजीब लग रहा है। पूरी रात बैठे थे, मेरे को बताए भी नहीं। बहुत तेज बुखार है, मैं अभी जागी हूँ तो पट्टी रखी हूँ। बोलो सोच रहा था दोस्तों ये लोग परेशान हो जाएंगे, इसीलिए बताया नहीं। लेकिन मैं उठा पानी पीने के लिए, दो चार बार उठा लेकिन फिर बैठ जाता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी उठने की। और ऐसे लग रहा था पूरा उल्टी होगा, पता नहीं क्यों ऐसे लगना, रात भर बुखार। इधर पैर भी बांध के सोते हैं, अभी तो मैं खोल दी हूँ कि आराम से सो जाओ। पता नहीं क्या हो गया है, अभी तो रात ही है। मैं सुबह होगी तो डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। थोड़ा उठ के बैठे हैं, देखिए और कृष्णा भी जाग गए हैं। इधर कृष्णा पानी पी रहे हैं। कृष्णा बाहर देखिए, अभी कितना अंधेरा है बाहर। सुबह के 9 बज रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। कब से इंतजार कर रहे थे कि 9 बजे हॉस्पिटल खुलती है तभी लेके जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बुखार चढ़ी है, अपने पास दवा भी नहीं है। मैं बोली कि वैसे मैं गोली ला के नहीं दे सकती, डॉक्टर को दिखाने के बाद ही देंगे, तो अब मैं लेके जा रही हूँ। उठो चलो। और ये आज कृष्णा भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा रो रहे हैं। लेके जाऊंगी, देखूंगी डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं, नहीं फिर दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। उठो चलो, उठो जल्दी। ये देखो पूरा गिरा दिया। ये क्या गिरा दिए हो? हाँ अपना चिप्स गिरा दिए। चलो जल्दी से उठो। लेके आ चुकी हूँ दोस्तों हॉस्पिटल। डॉक्टर अभी दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इनको फीवर थी, रात से चढ़ी है तो उतरी नहीं थी। लेकिन मैं गोली इसलिए नहीं लाई कि गोली लेके दे दूँगी तो वो लोग फिर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, और एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। डॉक्टर पूछ रहे थे इंजेक्शन देने के लिए, तो मैं बोली कि हाँ दे दीजिए, उससे आराम मिल जाएगा। कृष्णा गोलू का सोच बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे, देखिए साथ साथ कृष्णा भी धुलवा रहे हैं। दोस्तों 4-5 दिन हो गए, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बुखार इतनी ज्यादा आ रही थी कि क्या बताऊं, और बुखार की वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है दोस्तों। कृष्णा बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है कि दिन भर लेटा रहूं, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है दोस्तों। दवा कराया हालांकि, लेकिन उससे कुछ भी आराम नहीं हुआ है। हालांकि फीवर तो छोड़ दी बुखार, लेकिन अभी भी ऐसे लग रहा है ना दिन भर लेटा रहूं, बहुत अजीब अजीब लगता है। कृष्णा अभी कृष्णा सो के जागे हैं दोस्तों। डांस कर दो थोड़ा सा दोस्तों, बहुत ज्यादा अजीब अजीब लग रहा है। और इधर कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है पूजा, दिखाता हूँ उधर क्या बन रहा है। तो दोस्तों ये है, कुछ बन रहा है, क्या बन रहा पूजा? सलोनी बना रहे, सलोनी बना रहे दोस्तों। कृष्णा खाओगे? कृष्णा कृष्णा खाओगे सलोनी? अभी कृष्णा सोए थे तो मुझे लगा कि जल्दी जल्दी बना लो, तब तक तो ये जनाब जाग गए। जाग गए अभी, जाग के रो रहे थे।
दोनों तो खराब हो जाता है। दो तीन बार मैं बेल बेल के कट करके छान ली हूँ। अभी थोड़ा सा और बचा है, कितना आटा बचा है जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अभी और इतना बन गया है, इसको बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है छानने के लिए। धीमी आंच करके रखती हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बना लू फटाफट, कृष्णा को दू साथ कृष्णा खाए। कृष्णा खाओगे क्या? पर ये वाला गरम इधर रखी हूँ, लो थोड़ा सा। हाँ ठंडा हो गया है, लो देखिए ऐसे बनाई हूँ। लो कृष्णा, लो नहीं कृष्णा को वीडियो में आना है, देखो कैसे देख रहे हैं। इस समय 4-5 दिन से बहुत परेशान है दोस्तों हम लोग गोलू की तबीयत को लेके। गोलू की बुखार, कृष्णा की बुखार आ जाती है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लोगों का ठीक ही नहीं होता है। तो गोलू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, 2-3 दिन तक तो हम बुखार में परेशान थे। डॉक्टर को दिखाई, एक दिन दिखाई नहीं, आराम हुआ। फिर दूसरे दिन से थोड़ा सा आराम मिला है, लेकिन वीकनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि बोलते हैं कि मुझे उठने को मन ही नहीं करता है। दिन भर लेटे रहते हैं, ड्यूटी पानी सब कुछ 4-5 दिन से लगातार बंद है। और उनके पैर की जो दवा चल रहा था वो भी अभी दवा खत्म हो गई है। डॉक्टर अभी बुलाए थे, लेकिन क्या बताऊं, उनको वहां जाना है लेकिन तबीयत उनकी सही नहीं है। और दूर का सफर इतनी गर्मी में करने लायक भी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, राधे राधे।